कोरोना की दहशत के बीच जनता कर्फ्यू को लेकर जैसलमेर जनता पीएम मोदी का पूरी तरह से साथ दे रही है। लोगों से अपील की गई थी कि वो रविवार को बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें, जिसका वो पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। जनता कर्फ्यू और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लॉकडाउन के ऐलान का असर सीमावर्ती जैसलमेर जिले में भी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग घरों में ही दुबके नजर आ रहे हैं, तो वहीं कोरोना महामारी से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आम जन से कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए अपील जारी की है। हम स्वयं का, अपने परिवार का और अपने समाज का को स्वस्थ बनाए रखने में एक बहुत ही सकारात्मक योगदान करेंगे। जैसे हम सब ने एक बचपन में कहानी पढ़ी है कि एक खराब फल सारे अच्छे फलों को खराब कर देता है, उसी प्रकार से इस संक्रमण में एक संक्रमित व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आते हैं उनको ये बहुत आसानी से वो संक्रमित किया कर सकता है। तो यदि ये एक बार कम्युनिटी में स्प्रेड होना शुरू हो जाए तो इस संक्रमण को कंट्रोल करना डिफिकल्ट होगा और स्थिति और गंभीर बनेगी। इसलिए हम सबको उपरोक्त आदेश निर्देशों की पालना करनी आवश्यक है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए किए जा रहे एहतियातन उपायों के बीच पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपना फर्ज निभा रही है। वहीं जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आम जन से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए अपील जारी की है। बता दें, राजस्थान में धारा 144 लागू, इस बीच केंद्र और राज्य सरकारों के साथ लोग भी अपने अपने स्तर पर कोरोना वायरस से बचने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बात अगर राजस्थान की करें तो पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू हो रखी है। बड़े मंदिरों के कपाट बंद हैं, शिक्षण संस्थाओं में भी सन्नाटा पसरा पड़ा है।